हरियाणा सरकार द्वारा नौकरी से निकाले गए पीटीआई टीचरों का धरना आज मंगलवार को 44वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने पीटीआई टीचर धरना दे रहे हैं। आज भी पीटीआई टीचरों ने नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया और नौकरी की मांग की। अनशन पर बैठे हुए पीटीआई टीचरों का नेतृत्व कर रहे शिव कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जो पीटीआई टीचर निकाले गए हैं, इससे उनके परिवार पर रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज धरने के 44वें दिन के बाद भी कोई भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं आया है। पीटीआई टीचर ने सरकार से आह्वान किया कि उनकी रीजनिंग करवाई जाए और उनको नौकरी पर रखा जाए। यहां हम आपको बता दें कि पीटीआई टीचर कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निकाले गए थे। करनाल के लघु सचिवालय के सामने नौकरी से निकाले जाने वाले पीटीआई टीचर लगभग 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं। टीचरों द्वारा सरकार से आह्वान किया जा रहा है कि उनको शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हो गया आप यहाँ पर बैठे? मेरा नाम शिव कुमार है जी। हमारे को 44 दिन हो गया बैठे हुए यहाँ, और इन दिनों में सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई अधिकारी भी हमारे पास आज तक नहीं आया। कोई एक लोकतंत्र है ये, कम से कम ये जानने के लिए आए भी आप यहाँ क्यों बैठे हैं। इन ये आज तक भी शासन के, प्रशासन के, किसी मंत्री के, MLA के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगे। और हमारा ये कहना है, जब तक हमारी जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई और ज़्यादा उग्र आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। हम ये सिर्फ इंतज़ार अपनी स्टेट कमेटी का, जो हमारी स्टेट बॉडी है, जब वो जो हमारा हमारे को आदेश देगी, जो संदेश देगी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सर, CM भी यहाँ पर 2 से 3 बार आ चुके, जब तक आप धरने बैठे हैं कोई मिलने आए या कोई आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना यहाँ कोई मिलने आया। एक बार संजय भाटिया जी आए थे यहाँ के, जो सांसद हैं, हम CM साहब को मिलने गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे को मिलने नहीं दिया। बैरिकेड लगा दिए थे वहाँ, काफ़ी कंफर्टेशन हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने हम वापस फिर अपने धरने पर अपने बैठे। कितने PTI टीचर हैं लगभग पूरे तो हरियाणा के अंदर? 1983 PTI हैं सभी। अगर करनाल की बात करें, करनाल की बात करें तो हम एट प्रेजेंट 58। तो आप क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं भी हमारी तुरंत बहाली की जाए। जिस तरह से हमारे को रिलीव किया गया है, उसी तरह से हमारे को रीज्वाइनिंग कराया जाए। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। मीना भारद्वाज। किस लिए आप धरने पर बैठे? कितने समय से बैठे हैं? सर, आज हमें 44 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए हैं, और हम 1983 PTI है। हमारा रोजगार सरकार ने छीन लिया है, हम इसीलिए धरने पर बैठे हैं। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। किसी अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया हो? दे तो सारे हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। CM सर ऐसे 3 बार आ चुके करनाल में, उन्होंने आपसे कोई मुलाकात की हो? ऐसे कोई मुलाकात नहीं की हमारे से। आप क्या सरकार से मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारे जो हमारे 1983 PTI हटाए गए हैं, इनको बहाल करे सरकार, अपनी शक्तियों को अपनाए और इनको हमारे को बहाल करे। हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.